देश के चर्चित पहलवान गंगा में अपने मेडल बिना बहाए ही बेरंग वापस हो लिए हैं। किसान नेता नरेश टिकैत के कहने पर ये पहलवान वापस लौटे हैं। इनसे पहले इन्हें हरिद्वार के स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। स्थानीय लोगों ने पहलवानों से कहा कि गंगा राजनीति करने की जगह नहीं है, यहां से वापस जाएं। ये तस्वीरें हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट की हैं, जहां पहलवान मेडल बहाने पहुंचे थे। पहलवानों को हरिद्वार के लोगों ने खरी खोटी सुनाई और कहा गंगा राजनीति करने की जगह नहीं है, ये धर्म क्षेत्र है। इसके बाद किसान नेता नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे और पहलवानों से बातचीत की। काफ़ी देर की मान मनोवध के बाद खिलाड़ियों ने सभी मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए। नरेश टिकैत पहलवानों को अपने साथ ले गए। अब मुजफ्फरनगर में होने वाली खाप पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। रेसलर साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और संगीता सहित उनके कई समर्थक पहलवानों के साथ हर की पौड़ी पर अपने मेडल प्रभावित करने के लिए पहुंचे थे। खिलाड़ी हर की पौड़ी पर पहुंचे और काफ़ी देर तक मौन बैठे रहे। नरेश टिकैत ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ जाति हो रही है, खिलाड़ी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इससे निराश होकर उन्होंने मेडल वापस करने का फैसला किया। सरकार को यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सरकार को 5 दिन का समय दिया है। पहलवानों के साथ में जो जाती हुई, बच्चे, ये हमारे पहलवान जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं हमारी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया और ये कुछ भी कदम उठा सके, हमने यही सोची भाई इस तरह का कदम ना उठावे। और हम अनक फनक में यहाँ से गद्दे से यहाँ से आ गए 2 घंटे में और हम बच्चों को मना कर ले गए। ये बड़े परेशान है तो हम यही चाह रहे हैं बातचीत, सरकार इस बात को सुने। और एक आदमी के उसमें पूरे भारत को बर्बाद करने के उस पर तुल लिया सरकार, ऐसा कदम न उठावे। मालवी घाट पर पहुंचने के बाद पहलवानों की आंखों से आंसू छलक आए। पहलवान सिर पर कपड़ा रखकर रोने लगे। पहलवानों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। हालांकि इससे पहले गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पहलवानों से आह्वान किया था कि वे अपने मेडल गंगा नदी में प्रवाहित न करें। श्री गंगा सभा की ओर से कहा गया था कि खिलाड़ी आए, पूजा करें, आरती में सम्मिलित हों, गंगा सभा स्वागत करेगी, लेकिन हर की पैड़ी को राजनीति का अखाड़ा न बनाए। इधर पहलवान समर्थकों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया और ब्रजभूषण पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये पता लगा कि इन बच्चों ने इतना ठोस कदम उठाया है तो लगातार सब खापों से बात हुई और सब ने ये निर्णय लिया कि इन बच्चों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। हमने इनसे अपील की है कि आप लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, पूरा देश आपके साथ है और ये मेडल किसी की दी हुई जागीर नहीं है, चाहे ब्रजभूषण हो चाहे सरकार हो। ये इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपनी मेहनत से जीते हैं, तो इनसे अपील की है कि इस तरह का ठोस कदम ना उठाए। पूरा देश में आक्रोश है और पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटना हुई और उसके बाद परसों जिस तरीके से जंतर मंतर पर घसीट घसीट कर हमारे महिलाओं को, पहलवानों को मारा गया, उसका बदला आने वाले दिनों में सरकार से जरूर लिया जाएगा। और ये जो हमारा देश का गर्व है, बाहर से एथलीट से वो मेडल लेकर आया, तो हमारा जो बंगाल का जो ममता बनर्जी है, सीएम है, पूरा इसका सपोर्ट में, काल एक रैली भी कर रहा है इसका सपोर्ट में, पूरे बंगाल में सब जगह में इसका सपोर्ट में रैली सब कुछ हो रहा है। वो बैठे हुए जो प्रधानमंत्री हैं अपने आप को बोलते हैं कि मैं बेटियों के लिए, मैं बहनों को के लिए सुरक्षा देता हूँ, कहीं बेटी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। तो आज इनको देख के ये लगता है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रजभूषण को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिस तरह से बचाने का काम ये सरकार करती है ना कि बहू बेटियों को तो लाठी चार्ज करो और यहाँ पर जो है उनको बचाओ, तो लगातार ये एक बार की बात नहीं है, लगातार बेटियों के साथ में ऐसे ही हो रहा है और हम लगातार उन बेटियों के साथ में खड़े हैं। पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरे उत्तराखंड की बहू बेटियां इन बेटियों के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना।
वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।